मनुष्य के साथ वन्य जीवों में भी ममता होती है, ये साबित हो गया। मादा बिच्छू ने अपनी पीठ पर बैठाए रखा था एक दर्जन से अधिक बच्चे। इंसानों में ही नहीं बल्कि सभी जीवों में ममता होती है, आज देखने को मिला। रिजदी में एक दुकान के पास कुछ लोगों ने एक बिच्छू को देखा, उसको देख मार देने का निर्णय लिया। तभी दुकान के मालिक गोपाल राठौर ने नजदीक से जाकर देखा तो वो मादा बिच्छू अपने एक दर्जन से अधिक बच्चों को पीठ पर बैठाई थी, जिसके बाद मारने का निर्णय को टाल दिया गया और उन्होंने स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को इसकी सूचना दी। जितेंद्र मौके पर पहुंचे और मां के साथ बच्चों को बड़े आराम से रेस्क्यू कर डिब्बे में रख लिया और उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। ऐसे दृश्य बहुत ही दुर्लभ होते हैं। ये हमारे यहाँ वर्कशॉप में बिच्छू आ गया था और उसमें क्या था, छोटे छोटे बच्चे, तो हम लोगों ने तुरंत जितेंद्र भैया को साथी दिया था, तुरंत हम लोगों ने कॉल किया और आए हम लोग, तुरंत आए अपनी सहायता दिया और उसको प्रॉपर रेस्क्यू करके। अभी ये देखने को मिल रहा है कि लोग काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, छोटे से छोटे जीव जंतु को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हमारा भी प्रयास यही रहेगा कि उनकी के सोच पे खरा हुआ हम उतरे। तो हम तत्काल पहुँचे और देखे कि स्कॉर्पियो है, उसके ऊपर उसके बच्चे बैठे हुए थे और करीबन 6 से 7 बच्चे बैठे थे, तो लोगों ने मारा नहीं, या तो उसको मार के फेंक देते या फिर नहीं फेंक देते, लेकिन अच्छी बात है कि उसको सुरक्षित रखा। हम यहाँ पहुँचे, उसको सुरक्षित अभी अपन ने कर लिया और जंगल पे जाके छोड़ देंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।